हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मतलब सब्र के साथ जो है 20 मिनट या 12 मिनट जो है बातें सुनना बड़ा मुश्किल काम है, मगर आप लोग सुनते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ट्रैवल मेकअप बैग या वेडिंग गेस्ट मेकअप जो किट होती है उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे आप पैक करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। मेरे जहन में भी आया था कि ब्राइडल मेकअप किट बनाऊं, मगर ब्राइडल में आई थिंक बहुत ज़्यादा फिर सामान जो है वो उसमें ऐड करना होता है, और वो किट भी ज़रा डिफरेंट होती है क्योंकि यू आर फाइनली लीविंग एंड मूविंग योर हाउस, तो वो उसमें फिर सामान और तरह का होता है। बट आजकल जो है सीज़न है वेडिंग का, लोग शादियां कर रहे हैं, और गेस्ट जो हैं आप लोगों ने जैसे अगर ट्रैवल करके कहीं किसी की शादी पर जाना हो तो आप लोगों के पास ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपके बैग में हो, क्योंकि शादी वाला घर जो होता है वह बहुत बिज़ी होता है और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं, जो हम समझते हैं कि हमें अपनी डेस्टिनेशन पे जाके किसी और के घर में हमें अवेलेबल होंगी वो अक्सर नहीं होती। तो वो मैं सोच रही, मेरे जहन में है बिकॉज़ आई हैव ट्रैवल्ड अलॉट विद इन पाकिस्तान ऑल्सो, कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ जाती है चीज़ों की, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपने जहन में रखी हैं और आज बेसिक किट बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक इट सिंपल। पहले मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो अपनी मेकअप किट लें या मेकअप बैग लें, जैसे मेरे सामने ये है, थोड़ा सा मैं कैमरा जी, वो वाटर प्रूफ हो या इस तरह की रैगजीन मटेरियल या सिंथेटिक या फोर लेदर या फोर फाइबर का बना हो, ठीक, इस तरह के आ जाते हैं बैग्स, वाटर प्रूफ हो, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। तो ये आपको इस तरह की बेसिक बैग्स जो हैं वो कहीं से भी मिल जाएंगे। ये आई थिंक यूके से मेरी दोस्त लेकर आई थी, उसने मुझे गिफ्ट दिया था, ये ट्रैवल मेकअप बैग है, ठीक है, एंड इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल, अंदर कुछ खास नहीं है, बस एक ये जिप बनी हुई है छोटी सी, तो इसमें भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज़ प्रिटी बिग और इसमें आप अपना सामान ईजीली रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट विद द बेसिक्स। हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर अपने पास रखें, ठीक है, अक्सर रश होता है शादियों वाले घर में और बाथरूम्स खाली नहीं मिलते, तो यू हाथ धोने का फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी, बट आपको अपने पास अपनी मेकअप किट में एक हैंड सैनिटाइज़र रखना है, वो मेरे पर्स में पड़ा हुआ है, मैंने निकाला नहीं। उसके वी नीड क्यू टिप्स, आप अपने पास ज़रूर जो है कोई बॉक्स लेकर, ये वाले जो क्यू टिप्स आते हैं, ये जो बड्स जिनको कहते हैं, ये अपने पास ज़रूर रखें, ये मेकअप एप्लीकेशन में बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये तो पैकेट बड़ा है, आप अपने पास कोई छोटा बॉक्स रखें, विल पुट इट हेयर इन आवर किट। सेकेंड, हमें इस तरह के कॉटन स्वाब्स चाहिए, ये हम नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास अपने कॉटन स्वाब्स होने चाहिए, सो पुट दिस इन योर बैग। वी नीड कॉटन राउंड्स, ठीक है, ये 80 पीसेस के हैं, ये बहुत अच्छे हैं मेकअप रिमूव करने के लिए और अपनी स्किन को क्लेंस करने के लिए, दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, अपने पास ये ज़रूर रखिए। ये बड़ा पैक है, आप इसमें से जितने आपको चाहिए आप निकाल के अपने पास एक इस तरह का जिप लॉक बैग आता है, आप उसमें जिप लॉक बैग के अंदर ये रखें, कॉटन स्वाब्स भी और ये कॉटन राउंड्स भी, ठीक है, इसको भी मैं बैग में डाल देती हूँ। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, कि आपको क्वांटिटी कम रखनी है चीज़ों की, तो आई एम जस्ट प्लेसिंग दिस हेयर आपकी आपको दिखाने के लिए कि दिस इज़ ऑल दैट वी नीड। आप इनमें से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकाल के जिप लॉक बैग्स के अंदर रखेंगे, ठीक है, एंड मेक श्योर आप ये आसानी से बाहर से मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं और ये एयर टाइट होते हैं, तो इनका इस्तेमाल करें, ठीक है। देन व्हाट डू वी नीड नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास एक ट्विज़र होना चाहिए, ठीक है, अपने पास ये ट्विज़र जो है ज़रूर रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई स्ट्रे बाल जो है आ जाए अगर फेस के ऊपर, चिन पे या आईब्राउज, एनीवे दैट, तो उसके लिए ये काम आ जाता है। ऑल्सो वी नीड अ थ्रेड, थ्रेडिंग तो आई थिंक सब लड़कियों को आती है, अपने पास एक थ्रेड भी रखिए, एंड द
दीज आर एल्कोहल स्वाब्स, ठीक है, ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे, मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे, 10 रुपीज़ में आई थिंक 10 आ जाते हैं, तो ये अपने पास ज़रूर रखें। इनसे क्या होता है कि आप जैसे मेकअप कर रहे हैं अपना, तो मेकअप ब्रशेज़ यूज़ करेंगे तो एल्कोहल स्वाब्स के ऊपर आप उनको रब करके क्लेंस कर सकते हैं इमीडिएटली, आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये सैनिटाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है कि आप यू नो यू कैन जस्ट क्लियर क्लीन ऑल योर ब्रशेज एंड एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो ये उसके लिए बड़े अच्छे होते हैं, तो ये अपने पास ज़रूर रखें। यू नीड अ शार्पनर, ठीक है, इस किस्म का शार्पनर आपको चाहिए कि जिसमें बड़ी पेंसिल का भी हो और छोटे पेंसिल का भी एक सेक्शन हो, सो यू कीप दैट इन योर बैग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेफ्टी पिंस। यू नेवर नो व्हेन यू नीड दिस, आप हमेशा ये सोचते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर इनकी ज़रूरत हमेशा कहीं ना कहीं पड़ जाती है, तो सेफ्टी पिंस अपने पास ज़रूर रखें। एंड कीप ऑल ऑफ दिस स्टफ़ इन द जिप लॉक बैग, ठीक है, छोटे छोटे जिप लॉक बैग्स में आप इनको रखें ताकि ये बहुत अच्छे नीट तरीके से जो है सेपरेट होके आपके बैग में जो है वो मिलें आपको, ठीक, और आपको ढूंढने में फिर मुश्किल ना होगी कि पूरा बैग जो आप उंडेल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप जिप लॉक बैग्स में अलग अलग रखें, ठीक। सो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, इसके अलावा हमें चाहिए हैं ये स्पंजेस, ठीक है, एक हमें चाहिए ये पाउडर का स्पंज, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है इस तरह से, ये पाउडर एप्लीकेशन के लिए होता है, ठीक है, और एक हमें जो है फाउंडेशन स्पंज चाहिए, ये रियल टेक्निक्स का है, इसको ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसको मैंने अभी वेट नहीं किया, और आप तो या तो ये इस्तेमाल कर लें, ठीक है, या ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल कर लें, ये ब्यूटी ब्लेंडर ही है, या हमारे ये बहुत ईजीली इस तरह के ये लेटेक्स वाले स्पंजेस आते हैं, दिस इज़ लेटेक्स फ्री, तो ये जो है लेटेक्स वाले स्पंजेस आते हैं, तो ये एक आप अपने पास ज़रूर रखें, इसको आप गीला करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, तो बेसिकली वी नीड टू काइंड ऑफ स्पंजेस, ठीक है, ये दोनों आप अपने पास बैग में ज़रूर रखिए। पहला पार्ट तो हो गया जिसमें हमें एसेंशियल्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हैं, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द मेकअप, ठीक है। सबसे पहले फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशंस मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने पास लिक्विड फाउंडेशंस जो हैं वो यूज़ करें, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए अच्छी नहीं होती, दूसरा फिर एयरपोर्ट के ऊपर वो भी मसला हो जाता है कि एक ख़ास क्वान्टिटी से ज़्यादा आप लिक्विड कैरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप ये एक टीवी पेंट स्टिक जो है वो ये ले लें, दिस नेवर फेल्स यू, मतलब ये जो क्रायोलाइन की टीवी पेंट स्टिक है, अपने शेड में जो है अपने पास आप अपना टीवी पेंट स्टिक जो है वो एक रख लें, इसको आप आराम से इससे आप अपनी बेस बना सकते हैं, ठीक है, सो वी नीड अ टीवी पेंट स्टिक। उसके बाद आप कोई भी कंसीलर, आपकी पसंद का जो भी कंसीलर है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पास रखें। टीवी पेंट स्टिक से अगर आप फुल मेकअप करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी, मगर अगर आप हल्का मेकअप कर रहे हैं, लाइट मेकअप कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के कंसीलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, अपने पास कोई भी रख लें, ये साथ है छोटा सा एज रिवाइंड, ये रख लें, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है, ये एक बॉबी ब्राउन का करेक्टर है मेरे पास, पता नहीं शायद इसका सैमन कलर है कि क्या है, यूज्ड इट ऑल अप, ठीक है। इसी तरह ये मैक का है एक कंसीलर, ठीक है, तो आपके पास जो भी कंसीलर अवेलेबल है आपका अपना जो आप यूज़ करते हैं, आप उसको एक कंसीलर अपने पास ज़रूर रखें, तो वी आर कीपिंग दिस हेयर। नाउ वी आर डन विद द फाउंडेशन, बिल्कुल हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं रखनी है। अब हमें पाउडर चाहिए, ऑब्वियसली उसको सेट करने के लिए आपको जो पाउडर पसंद है, फेस पाउडर कीप वन विद यू, ठीक है, इस तरह के भी आते हैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर्स, लूज पाउडर्स प्लीज़ अपने पास लूज पाउडर्स जो हैं वो नहीं रखिए, वो बहुत मेसी हो जाते हैं और बैग भी ख़राब कर देते हैं, तो इस तरह के कॉम्पैक्ट जो पाउडर्स आते हैं आप अपने पास एक रख सकते हैं, ये स्टूडियो फिक्स है, ये स्टूडियो फिक्स है मैक का पाउडर, ये है एक ये है, और फ्लोर मार्क का भी है, और भी हैं जो आपको पसंद हो, कोई भी ब्रांड जो है आप अपने पास एक पाउडर जो है वो हम अपने पास रखेंगे। इसका जो पफ है वो आप ऑलरेडी अपने पास, हमने पहले अपने जो एसेंशियल्स हैं उसमें हमने रख लिए थे, सो ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन का। नाउ वी नीड टू गो टू द आईज, आंखों के लिए
बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग तो वी विल नॉट यू नो यूज़ अ लॉट ऑफ आई पैलेट्स और लॉट ऑफ आई शेडोज़, बट वी जस्ट नीड वन पैलेट. ठीक है, ये बहुत अच्छा है मगर ये काफ़ी बड़ा है तो ट्रैवल करने में ये इसमें होता है कि टूट ना जाए. ठीक है, तो ये ग्लैमरस फेस का भी अच्छा है अगर आप इसको कैरी ऑन में नहीं रख रहे हैं इस बैग को और आप इसको चेक इन करेंगे तो आप ये अपने साथ रख सकते हैं. इसके अलावा ये भी है, एक पैलेट में लेकर आई थी. ये लोकल पैलेट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं चेज़अप की हॉल में जो मैं लेकर आई थी. दिस वाज वेरी गुड और इसके शेड्स बहुत अच्छे हैं. इनको आप वेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, इनको आप यू नो ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं. देखें कितने प्यारे शेड्स हैं इसके. इस तरह के ढेर सारे पैलेट्स आपको ईजीली मिल जाएंगे बाहर से ना, तो अगर आप चाहें तो एक ही पैलेट इस तरह का जो मीडियम साइज़ में हो और इस तरह के सारे शेड्स हैं उसमें, वो आप अपने पास रख सकते हैं. या ये रख लें, या इस तरह की किट्स आती हैं छोटी जिसमें मैट फिनिश के शेड्स भी होते हैं. सो सारे कलर्स होते हैं तो आप इस तरह की किट्स भी रख सकते हैं. ठीक है, ये देखें इसमें मैट फिनिश के भी शेड्स हैं और सेटिन फिनिश के शिमरी शेड्स भी हैं. ये आई थिंक वेट एंड वाइल्ड की है. ठीक है, तो कोई भी आप इस तरह रखें. आई थिंक आई ऑल्सो हैव अनदर वन हेयर. बड़ी प्यारी सी क्यूट सी किट है छोटी सी. हाँ, या इस तरह के बहुत छोटे जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स आते हैं, आई वुड प्रेफर कि आप आई शेडोज़ के लिए ये वाले यूज़ करें, इस तरह के छोटे छोटे पैलेट्स. इसमें सारे जो हैं हाइलाइटर शेड्स भी हैं और शिमरी शेड्स भी हैं, तो दिस इज़ नाइस. तो वी विल कीप अ पैलेट विद अस. आई थिंक आई एम गोइंग टू कीप दिस वन हेयर. तो आप इस तरह से सिर्फ बस एक पैलेट अपने पास रखें. हमें ऐसा लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी उसकी भी, मगर नहीं पड़ती इतनी. मतलब वी कीप चेंजिंग पैन्स, ऐसा नहीं होता कि आपको फिर एहसास हो कि भाई वो ले आते काश. तो इसी में आई थिंक बेसिक चीज़ों में ही आपका जो है काम चल जाता है. आइज़ की बात करें तो आइज़ में और भी कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप अपने पास एक ट्रेवल साइज़ का छोटा मस्कारा जो है वो ज़रूर रखे हैं. ये YSL का है, तो विल कीप इट हियर. इसके अलावा आईब्राउज़ को सेट करने के लिए अगर इस तरह के ब्रशेज़ आते हैं, ठीक है, आईब्राउज़ को ब्रश करने के, ये आपके पास एक होना चाहिए. अगर आपके पास ये नहीं है तो पुराना मस्कारा जो है उसके वॉन्ड को आप साफ़ कर लें. ठीक है, और इस तरह से जो है उनकी ये जो आगे से ब्रश होता है इसको भी आप आईब्राउज़ ब्रश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, सो कीप व्हाटएवर यू वांट. इस तरह का ब्रश आपको ज़रूर चाहिए. एक आपको ये स्लैंटेड जो टिप का ब्रश है अपनी आईब्राउ सेट करने के लिए ये चाहिए होगा. ठीक है, कीप दिस विद यू अगर आप पाउडर आई शेडोज यूज पाउडर से अपने आई शेडोज़ को सेट करते हैं. और अगर आपकी किट में मैट शेडोज़ हैं और मैट शेडोज़ में ही आप जो हैं अपनी आईब्राउ सेट कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा आईब्राउ किट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसी के शेड से आप अपनी आईब्राउज जो हैं सेट कर लें. ठीक है, उसी में से यूजुअली ब्राउन पाउडर, डार्क ब्राउन पाउडर आपके मेकअप किट के अंदर होता ही है, तो यू कैन यूज़ दैट. और अगर नहीं है तो आप अपने पास अपने ब्राउ किट ज़रूर रखिए. ठीक है, ये आठ टिक होगी. आई लैशेज कोई भी एक्सपेंसिव ज़्यादा यूज़ ना करें, ट्रैवल करते वक्त मिसप्लेस हो जाती हैं और होता है, तो ये जो अफोर्डेबल चीप लैशेज़ आती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और वो बार बार जो ना आपको नुकसान भी नहीं होगा इतना कि यू नो कि आई लैशेज एक्सपेंसिव में लैशेज़ ख़राब हो गई. तो इस तरह की लैशेज़ को आप कैसे यूज़ करें, ये आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा ना लगें, आप इनको काट लें. ठीक है, और बिल्कुल इनका जो एज है उनको एज पर ही लगाएं, बिल्कुल एंड पर, तो वो साइड से जो है फिर आंखों को उठी हुई बड़ी फ्लेयरी सी लुक देती है, बहुत अच्छा लगता है. तो इस किस्म की आप आई लैशेज़ यूज़ कर सकते हैं. आप ज़्यादा यू नो एक्सपेंसिव नहीं यूज़ करें. और इसी किट के अंदर आप जो है जिप लॉक बैग के अंदर ये जो आई लैश ग्लू है, या तो आप ऐसे केसेस में रख लें या जिप लॉक बैग के अंदर आप ये आई लैश ग्लू भी अपने साथ रखें. ठीक है, ओके, नाउ व्हाट. नाउ वी नीड अ काजल. ये वाला काजल हाशमी का इजीली अवेलेबल है, ये रख लें. या अपने पास आप लैक्मे का या कोई भी रिमेल का काजल जो आपको पसंद है, अपने पास अपना काजल भी आप ज़रूर रखें. वन ऑफ द टू, दोनों कैरी ना करें. ढेर सारे काजल नहीं, वन ऑफ एवरीथिंग, सिर्फ एक. सो विल कीप इट हियर. फेस के ऊपर कॉन्टोरिंग के लिए ब्लशिंग जो है ब्लशेज़ क्या हैं, वो क्या चाहिए, किस किस्म के शेड्स होने चाहिए, ब्रॉन्जर्स, हाइलाइटर्स, सो वो हम सारे अब कॉन्टोर किट्स में आपके सामने आ रख लेती हूँ.
सो यू ओनली नीड वन थिंग, ठीक है. इस तरह के कॉम्पैक्ट्स भी आते हैं जिसके अंदर यू नो ये एलेगर का है, इसके अंदर ये पाउडर भी है, सेटिंग पाउडर, ठीक है, अंडर आई सेटिंग पाउडर, और साथ में ये बहुत अच्छा इनका वो भी है, ये ब्रॉन्जर और कॉन्टोर पाउडर है. इससे आप आईब्राउज भी सेट कर सकते हैं. अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कैरी कर रहे हैं तो आपको आई शेडो सॉरी आईब्राउ किट कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है. ये जो है ये बहुत अच्छा पाउडर है, बाय द वे ये बहुत अच्छी किट है, एलेगर प्रो कॉन्टोर पाउडर, और इसका शेड नंबर है ये आप देख सकते हैं लाइट. ओके, तो ये आप इस तरह की कोई चीज़ हो उसको कैरी कर लें. और अगर आपने सेप अलग से जो है कोई ब्रॉन्जर आपने अपने साथ या कॉन्टोर पाउडर आपने कैरी करना है तो आप जो है इस तरह के आते हैं. ये बाम का है, बहामा मामा, ये बहुत अच्छा ब्रॉन्जर है, बहुत अच्छा कॉन्टोर पाउडर है. आपके पास जो भी, आई थिंक क्रिस्टीन का भी बहुत अच्छा आता है, एक क्रिस्टीन का वो कॉन्टोर पाउडर बहुत यूज़ होता है और बड़े बड़े लोग उसे यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा है बाय द वे उस किट में जो है इनका, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या इस तरह की. एंड वी नीड वन ब्लश ओनली, ठीक है, आपको एक ही ब्लश की ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लशेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी किट्स को कैरी ना करें. ये बहुत अच्छा एक शेड है मिलानी का, इनका ये बहुत ही नेचुरल शेड है, बहुत प्यारा शेड है, आप ये देखें इट्स ब्यूटिफुल. तो इस तरह का कोई बेसिक बहुत नेचुरल शेड अपने पास आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है. और इसका नंबर है रोमांटिक रोज ब्लश 01. ओके, सो इस तरह का कोई ब्लश आप यूज़ कर लें, या एक ये और भी है बाम का हॉट मामा, दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल शेड, ठीक है. इसमें शिमर भी आ रहा है, इस तरह का शिमरी शेड आप अगर यूज़ करेंगे ब्लश का तो आपको हाइलाइटर लेने की ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट कैरी अ बेसिक ब्लश शेड, ठीक है. सो एक आपके पास कॉन्टोर पाउडर हो गया, एक आपके पास ब्लश हो गया, और एक आप अपने पसंद का कोई भी हाइलाइटर जो है वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं. ये मैक का है, सॉफ्ट एंड जेंटल, मैं इसको ज़रा स्वॉच कर देती हूँ आपके सामने. ये ऐसा होता है, इट्स ब्यूटिफुल हाइलाइटर, ये बहुत प्यारा हाइलाइटर है. और मुझे समझ नहीं आती लड़कियाँ इतना इतने ढेर सारे हाइलाइटर्स क्यों लेते हैं, मतलब एक ही काफ़ी होता है और ये भी ख़त्म नहीं होता. सीरियसली आई फेल टू अंडरस्टैंड. तो आप अपनी पसंद का कोई भी हाइलाइटर अफोर्डेबल जो आपको सही लगता है आप वो कैरी करें. तो बेसिकली हमें अपने फेस के ब्लशिंग के लिए ये तीन चीज़ें चाहिए, उससे ज़्यादा यू डोंट नीड टू कैरी एनीथिंग एल्स. सो वी विल जस्ट पुट इट हियर इन आवर बैग. ओके, दैट्स इट. नाउ we will move to the lipsticks. Okay, lipsticks are very important. मगर हमें बहुत ज़्यादा lipsticks नहीं लेकर जानी है, basic जो lipsticks हैं वही हमें चाहिए होंगी. एक red color की lipstick आपको जो भी पसंद हो आप उसको use कर सकते हैं, ठीक है. ये जिस तरह की ये आती हैं lipsticks, आप एक मॉइस्चराइजिंग बेसिक रेड लिपस्टिक जो है आप वो यूज़ कर लें, अपने पास रखें कोई भी शेड. या ये मैं आपको ऑलरेडी एक स्वॉच में दिखा चुकी हूँ, दिस वॉज आई थिंक मिस रोज, ये टूट भी गई. उफ, तो ठीक, तो यू कैन कीप अ बेसिक रेड लिपस्टिक, कोई एक अपने पास आप रख लें, जैसे विल कीप दिस. ओके, एंड वी नीड अ न्यूड लिपस्टिक. आप लिप ये जो इस तरह की लिक्विड लिपस्टिक्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको अपनी भी कोई पसंद है अगर अपना कोई मेडोरा के बहुत सारे प्यारे प्यारे शेड्स हैं आप वो देख सकते हैं. अब ये जो है एक लिप लॉन्जरे नाम है इसका, NYX की है, ये बहुत प्यारी लिक्विड लिपस्टिक है, बेसिक ब्राउन शेड, न्यूड शेड. ये आप एक रखें अपने पास या कोई भी. इसका आई थिंक नाम है शेड का रफल ट्रिम. ओके, सो बेसिकली एक रेड, एक आपने कोई भी बेसिक न्यूड लिपस्टिक, ठीक है, वी विल कीप दिस हियर. एक लिप लाइनर अपनी पसंद का कोई भी. ओके, एंड व्हाट एल्स डू वी नीड.
इस तरह की भी देखें न्यूड लिपस्टिक्स आती हैं, ये आप अपने पास रख सकते हैं। 10 इन रिवाज यूके लिपस्टिक्स, ये रख लें, ये रख लें। एंड व्हाट एल्स वी नीड, अ ब्राउन शेड टू, ठीक है, एक रेड शेड, एक ब्राउन शेड और एक न्यूड शेड अपने पास रखें। ये तीन शेड जो हैं आपको काम आ जाते हैं। दिस इज़ मेडोरा और इसका आई थिंक दिस इज़ चॉकलेट शेड। तो कीप दीज विद यू, एक लाइट शेड, एक रेड शेड, एक ये बेसिकली ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड कीप अ लिप ग्लॉस विद यू, आपको जो लिप ग्लॉस है एक वो चाहिए होगी, अपने पास रखें, कभी कभी लुक चेंज करने के वो काम आ जाता है। तो बेसिकली 1, 2, 3, 4 लिपस्टिक्स एंड 1 लिप लाइनर, दैट्स ऑल यू नीड। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ओके, व्हाट एल्स नाउ, ओके आई थिंक आई एम डन। ओ देर वॉज वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शो यू, इस तरह के ना आई बेसिस आते हैं, पेंट पॉट्स, ये तो मैक के हैं, मेबलिन के भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक बेसिक जो पेंट पॉट है वो अपने पास आप ज़रूर रखें, या कोई यू नो आई बेस, ये आई प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है, ये सॉफ्ट होकर है, ये मैक का है। आई प्राइमर से आपका आई शेडो फिर हिलता नहीं है। अक्सर आप फाउंडेशंस लगा लेते हैं ना जब, तो वो हिलती हैं और उनमें क्रीसेस आती हैं, ठीक है, बेशक आप उसे पाउडर से भी सेट करें। तो आपको एक आई प्राइमर की ज़रूरत है, अपने पास आई प्राइमर ज़रूर रखिएगा। आई एम सॉरी ये मेरे जहन से निकल गया था, ये मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरह के आई प्राइमर्स आते हैं, ये तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यही ख़रीदें, ठीक है। आप अपने पास ये मेबेलिन के आई टैटूज़ आते हैं तो उनमें आपको अच्छे आई वो कलर्स मिल जाएंगे, ये आप आई शेडोज़ को बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। तो जस्ट कीप आई बेस विद यू, ठीक है, वो आई शेडोज लगाने के काम आता है, इनको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। कीप वन हेयर, ओके। अब ब्रशेस के ऊपर आते हैं, ओके, आई हैव गॉट दीज ब्रशेस ओवर हेयर, मैं दिखा देती हूँ आपको। सो व्हाट डू वी नीड, ये आई थिंक इंगलॉट और मैक के ब्रशेज़ हैं और ये मैंने रियल टेक्निक्स की किट में रखा हुआ है। सो बेसिकली यू नीड जो ब्रशेज़ आपको चाहिए होते हैं, एक आपको ब्लेंडर ब्रश चाहिए होता है, कोई भी आप ले लीजिए, दिस इज़ मैक 217, ठीक है। एक आपको ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए होगा, एक आपको कोई भी अपनी पसंद का जो है फ्लैट शेडर ब्रश चाहिए, किसी भी ब्रांड का। तो ये जो है दिस इज़ मार्क 239 शेडर ब्रश, एक आपको एक शेडर फ्लैट शेडर ब्रश, एक ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। इसके अलावा यू नीड अ पाउडर ब्रश, ठीक है, इस तरह के जो ब्रशेज़ आते हैं, इसको इससे आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं और इससे आप पाउडर भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये वाला यूज़ कर लें या ये वाला यूज़ कर लें, दिस इज़ रियल टेक्निक्स एंड दिस वाज सम लोकल ब्रांड जो मैंने कोस्टल सेंस से मंगवाया था, इनकी एक वेबसाइट है, तो आई थिंक ये फ्लोरिडा से आया था, तो ये बहुत पुराना है। तो आपको इस तरह के बहुत सारे ब्रश हमारे यहाँ लोकल ब्रांड्स में भी मिल जाएंगे, ये रियल टेक्निक्स भी ईजिली अवेलेबल है। इसकी फेक कॉपीज़ भी आई हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं की, मगर अगर आपके पास वो है तो उसमें से भी आप बिल्कुल ऐसा एक ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट वी नीड दिस वन ब्रश, वो हमारे अभी हो गए टोटल 3 ब्रशेस, ओके। एंड व्हाट एल्स, एंड 1 फाउंडेशन ब्रश, इस तरह का भी आता है और इस तरह का भी आता है, इससे आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं और इससे आप अपना ब्लश भी लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ दीज आर द 4 ब्रशेज दैट वी नीड, और आई ब्राउ का ब्रश हम ऑलरेडी रख चुके हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, इसको आप किट अगर आपके पास हो तो आप उसमें भी रख लें, ओके। नाउ व्हाट एल्स, वी आर डन विद द लिपस्टिक्स, हमने रख ली थी, ये आई थिंक बाहर ही रह गई, आई शुड पुट इट बैक इन द किट। नाउ नेल पॉलिशेज, आई नो लोगों को नेल पॉलिशेस अगर शादी है तो उसमें चेंज करनी होती हैं, और ये नेल पॉलिशेस अगेन प्लीज़ जिन चीज़ों को मैं कह रही हूँ कि जिप लॉक्स में रखें, आप उन्हें जिप लॉक बैग में रखिएगा, ये एयर प्रेशर से फट भी सकती हैं, तो आपको इनको
जब अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर एयर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, मगर वैसे भी जस्ट इन केस ये जो लिक्विड की कोई भी चीज़ होती है उसे आप जिप लॉक बैग में ही रखा करें। तो ये एक बड़ी प्यारा सा मेजोरा का कलर है, ये बहुत न्यूट सा प्यारा सा शेड है इसका, और इसका नंबर है 405। इस तरह का आपको एक न्यूट शेड जो है बड़ा ग्लॉसी सा प्यारा सा एक आप वो रख लें, कोई भी आपको जिस तरह पसंद हो। ये एसी का है एक का, इसका शेड का नाम है फुल स्टीम अहेड। ओके, तो आप अपने पास ये रखें। मेजोरा नेल पॉलिशेस या उसकी डाज मिटेस की नेल पॉलिशेस बहुत अच्छी हैं। ये गोल्डन कलर है, ये भी आप अपने पास रख सकते हैं बेसिक किट में। अच्छा, ये देखें, ये इम्तियाज़ से मैंने ख़रीदा है, मुझे याद भी नहीं है और यूजली मैं इम्तियाज़ सुपरमार्केट से कॉस्मेटिक्स नहीं ख़रीदती, मगर ये देखें कि इम्तियाज़ का ही निकल आया, 99 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये भी इम्तियाज़ का ही है, यूजली मैं नाहिद से ख़रीदती हूँ। एक रेड कलर आप अपने पास ज़रूर रखें, एक गोल्डन कलर अपने पास रखें, और कोई भी न्यूड शेड जो आपको पसंद हो। तो बेसिकली 3 नेल पॉलिशेस और एक नेल पॉलिश रिमूवर, ये सब कुछ जो है हम ये मेजोरा का इजीली आपको मिल जाएगा। ये उड़ कैसे गया है, सारा ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से आपको जो है ये 3 चीज़ें जो हैं अपने पास, या 4 चीज़ें, इनको आप जिप लॉक बैग्स में बंद करके अपनी मेकअप किट के अंदर रखेंगे जो आपके पास है। ओके, वी विल नीड ऑल दैट। ओके, अब देर आर थिंग्स जो आप इस किट में नहीं रखेंगे, मगर यू विल कैरी अनदर एडिशनल बैग विद यू, छोटा सा इसके साथ एक और, ठीक है। और उसके अंदर हम ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मेकअप करने से पहले, उनकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, और वो ये हैं बेसिक चीज़ें। आपका मॉइस्चराइज़र ये आपकी किट में होना चाहिए, कोई भी जो आपको पसंद हो, आप अपना मॉइस्चराइज़र अपने पास रखेंगे। मेकअप लगाने से पहले स्किन को क्लेंस करेंगे, ठीक है, और उतारने के लिए भी स्किन को क्लेंस करना पड़ता है। तो आप कोई भी ये गार्नियर का माइसेल वाटर जो है ये बहुत अच्छा होता है, आप ये छोटा सा इसका ट्रैवल पैक आता है ये आप ख़रीद सकते हैं, या ये कोई भी आपका क्लेंजिंग मिल्क हो आप उसे रख लें। आई वुड प्रेफर मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने पास रखें और ये रखें, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉटन स्वाब्स भी कॉटन राउंड्स भी रख चुके हैं जो हमें मेकअप उतारने के काम आएंगे। एंड अ लिप बॉम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिपस्टिक का गेम बदल देता है एक अच्छा लिप बॉम। आप कोई भी अपनी पसंद का लिप बॉम अपने पास रखें। ये 3 चीज़ें हमें एक्स्ट्रा चाहिए साथ में। नाउ व्हेन इट कम्स टू हेयर, तो बालों के लिए भी जो है बालों की कुछ चीज़ें आप अपने पास रखेंगे, जैसे कि हम अपने पास जिप लॉक बैग के अंदर वील कीप अ कॉम विद अस, एक वाइट टूथ कॉम, ठीक है, एक पतली वाली कॉम अपने बालों को करने के लिए, अपने बालों को जो है अच्छे से आप मतलब स्टाइलिंग करने के लिए। और ये हमें हेयर पिन्स चाहिए जिनमें जूड़ा पिन भी है और दूसरी वाली पिन भी है, ठीक है, नॉर्मल पिन्स भी हैं। वील कीप ऑल दीज इन ज़िपलॉक बैग्स एंड दीज हेयर टाइज टू, नॉट मोर देन दैट, दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो ये भी, दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू नीड, एंड वील प्लेस इट इन आवर बैग इन अ सेपरेट कंटेनर एंड वील पुट इट इन आवर बैग या आवर मेकअप किट। ओके, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बालों को स्टाइलिंग करते वक्त जो है आपको कोई स्टाइलिंग क्रीम वगैरह चाहिए होती है, तो आप अपने पास एक स्टाइलिंग क्रीम रखेंगे। और ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इस तरह के एलनेट का छोटा वाला आता है, छोटे बहुत इजीली आपको हेयर स्प्रेज मिल जाते हैं, तो आप ये एलनेट के, लॉरियल एलनेट के हेयर स्प्रेज यूज़ करें, अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक हेयर स्प्रे रखेंगे छोटा, और ये जो है इस तरह की जो क्रीम्स आती हैं कंडीशनिंग क्रीम्स, स्टाइलिंग क्रीम्स, वो आप एक रख सकते हैं अपने पास। ये लॉरियल की 6 ऑयल नरिश ऑयल ऑयल इन क्रीम जो है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्टाइलिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। इसको बिल्कुल इतना सा लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये पूरे बालों में आप स्प्रेड करें, उसके बाद अपने बालों को आप कर्ल करें तो बहुत अच्छे आपके बाल कर्ल होते हैं, और कर्ल स्टे करता है और बाल सॉफ्ट रहते हैं। इसे आप एज अ हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप एज अ लीव इन कंडीशनर भी यूज़ करते हैं, इतना थोड़ा सा चाहिए होता है बस, और ये बहुत लंबे अरसे चलता है। आई थिंक छोटी बॉटल इसकी अराउंड 300 something 400 की आती है, और बड़ी अराउंड 600 something आती है। सो दिस इज़ रियली गुड प्रोडक्ट, इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह की कोई स्टाइलिंग क्रीम जो है आप अपने पास एक ज़रूर अपने बैग के अंदर रखिए। सो आई गेट, टेक केयर।